जा रहा होगा। एक सबसे ऊपर का दर्जा है जहां की शराब है, उसका नाम है तस्नीम। तस्नीम ये ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी और नीचे तमाम दर्जात वालों को थोड़ी थोड़ी मिलावट करके दी जाएगी। तो ये जो आला दर्जे की शराब है तो उसका पिलाने वाला भी आला होना चाहिए। तो वहां अल्लाह कहता है वसखाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां मैं खुद अपने बंदों को पिलाऊं, मैं अपने हाथों से पिलाऊं। ले मेरा बंदा बंदी, तेरे बर्मिंगम के सबर का आज बदला है, हम दे रहे हैं, हम पिला रहे हैं, हमारे हाथों से पियो। हर जिस चीज से रोका है हमें नुकसान से बचाने के लिए है, जिस चीज के करने को कहा है हमें नफा देने के लिए है, और आगे हर लज्जत का सामान तैयार करके आगे अल्लाह ताला इंतजार में है कि मेरे बंदे आएंगे तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा जाओ मेरे बंदों को सलाम करो, तो फरिश्ते आएंगे और आकर कहेंगे सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम, हम आपको सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का, कहेंगे बेमा सबर तुम, जो आपने बर्मिंगम में सबर की जिंदगी गुजारी उसका सिला है कि हम नूरानी आपको सलाम पेश करते हैं। इतने ज्यादा फरिश्तों के सलाम का एक नशा होगा, एक नशा होगा कि वाह फरिश्ते सलाम कर, अभी वो नशे का मजा ले रहे होंगे कि एकदम मेरे रब का अर्श ऐसे फटेगा और मेरा रब सामने आकर कहेगा सलामुन कौलम मिन रब रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम करने आया है। हाय किस जिंदगी को भुला दिया भाइयो, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे, कहां तक जाना है, क्या मौत से टक्कर ले लोगे, क्या कब्र के अंधेरों को दूर कर सकोगे, क्या मुनकर नकीर से लड़ सकोगे, क्या अल्लाह की जहन्नम को बुझा सकोगे, क्या अल्लाह की जन्नत को आग लगा सकते हो, क्या अल्लाह के सामने खड़े होने से इनकार कर सकते हो, जब ये सब कुछ नहीं हो सकता तो कहां जा रहे हो। कुरान का लफ्ज सुनो, ये मैं अपनी तरफ से कुरान की ताबीर है, फ़ऐन तज़हबू, कहां जा रहे, क्या मोहब्बत है इन अल्फाज। जैसे माँ आजिज आकर जब बच्चा नहीं समझता गलत राहों पे चलता है तो वह कहती क्या कर रहे हो, तो लफ्ज तो है क्या कर रहे हो, लेकिन इसमें जो ममता का दर्द होता है, या बाप आजिज आकर कहता है बेटा क्या कर रहे हो, तो उसमें जो बाप की शफकत होती है कि आगे नुकसान देख रहा है कि ये मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, तो उस वक्त बेबस होकर कहता है क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। तो हम अल्फाज तो नकल कर सकते हैं लेकिन उनमें जो दर्द है वो तो नहीं ना, उसका तो तर्जमा ही नहीं हो सकता, एहसासात का तर्जमा नहीं हुआ करता, वो डायरेक्ट आगे मुंतकिल होते हैं। तो जो कि अरबी हमारी जुबान नहीं है, हम नहीं समझते कि जब अल्लाह हमसे बात करता है तो किस मकाम का क्या प्यार है, या अय्युहल इंसान अल्लाह या अय्युहल इंसान, मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से जिस मोहब्बत का अल्लाह ने इजहार किया है इस एक लफ्ज में या अय्युहल इंसान, ये मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया हो और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओ मेरा बंदा मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां तो आम है ना, मां बाप को औलादें छोड़ के चली जाती हैं, हमारे यहां तो अभी कम है, जो कभी ऐसा हो जाता तो मां क्यों जा रहे हो, उस क्यों के अंदर जो दर्द होता है किधर जा रहे हो, उसमें जो दर्द होता है क्या कर रहे हो, उसमें जो दर्द होता है वो एक माँ का है एक बाप का है, इसको अल्लाह से जोड़ो और अल्लाह की शफकत मोहब्बत को लामहदूद करो,
फिर इस लफ्ज को समझने की कोशिश करो, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तूने अपने रब को क्यों छोड़ दिया, तुझे किसने धोखा दे दिया, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, तुम्हें किसने धोखा दे दिया, तू क्यों मुझे छोड़ के चला गया। अल्लज़ी खलक़का, मैंने तुम्हें बनाया, फसव्वाका फअदलक, तू रूप तो देख शीशे में खड़े होकर, मैंने तुम्हें कैसे बनाया है, मैं तेरे ऊपर जुल्म कर सकता, मां बच्चे पे जुल्म नहीं कर सकती जो खाली एक जरिया है, तो मैं तो अपने हाथों से तुम्हें बनाया है, मैं तेरे ऊपर जुल्म कर सकता, अगर मैं रोकता हूं तो उसके पीछे तेरा नफा है, अगर मैं करने को कहता हूं तो उसके पीछे तेरा नफा है। फअयन तज़हबू, कहां जा रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कहता कहां जा रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर कहीं पनाह मिल सकती है, तो मेरा रब कहता है फिरो इल्लाह, इसके बिलमुकाबिल उधर नहीं, इधर आओ, किधर, अल्लाह कहता मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदा नवाज, हाय हाय हाय, क्या कमाल कर दिया इकबाल ने भी, 14 सदी में ऐसा शायर नहीं पैदा हुआ, ना अरब में ना अजम। तो मेरा रब कहता है कहां जा रहे हो, मुझे मनाना कोई मुश्किल तो नहीं है, मुझे मुझे मनाना कोई मुश्किल तो नहीं है, क्या क्या करो, क्या करो, कलौ बलगत ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي, तो इतने गुनाह करके आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफा कह दे या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे माफ कर दू, सारे माफ कर दू। तो भाईओ, अल्लाह हमसे एक डील करता है, فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد, वो कर जो मैं चाहता हूं, अब मेरे और अल्लाह के दरमियान बराए रास्त तो कोई वास्ता नहीं, तो मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है, तो अल्लाह ने मेरे और अपने दरमियान, आपके और अपने दरमियान अल्लाह ने एक वास्ता और वसीला बनाया, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी को महफूज कर दिया, क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, उनकी अदाओं को, उनकी चाल को, उनकी रफ्तार को, उनकी गुफ्तार को, उनकी पैदाइश को, उनकी वफात को, उनके हसब को, नसब को, कुरान ने भी ऐसे जमा किया है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर चेहरे के हुस्न जमाल का अंदाज़ा करना हो तो वद्दुहा में गौर करो, तो मेरा रब कह रहा है तेरे रोशन चेहरे की कसम, अगर आपकी जुल्फों का तसव्वुर करना हो तो वल्लैल इज़ा सजा में गौर करो, कि मेरा रब कह रहा है तेरी स्याह जुल्फों की कसम, अगर आपके सीने के दर्द का अंदाजा करना है तो लअल्लाक बाख़िउन नफ्सक अल्ला यकून मुमिनीन, मैं अल्लाह अपने नबी के अंदर का दर्द बता रहा है, अल्लाह ताला आपकी आंखों का को मालूम करना है तो मेरा रब कह रहा है मा ज़ाग़ल बसर व मा तगा, मेरे महबूब की आंख ने मुझे देखा, वो आंख गलत नहीं देख कर आई, सही देख कर आई है। आपके हाथों को जिक्र छेड़ा तो कुरान ने कहा ला तजाल यदक, हाथ आ गए, गर्दन का जिक्र आया तो मगलूलतन अला उनुकिक, तेरी गर्दन ऊपर से आ रहा हूं, बाल आ गए, चेहरा आ गया, आंखें भी आ गईं, जबान ला तो हर्रक बिही लिसानक, तेरी जबान, गर्दन नीचे आ गई, आगे सीना आ गया, तो अलम नशरह लका सदरक, तेरा सीना मैंने नहीं खोला, पीछे पुश्त आ गई तो अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, तेरी कमर, दिल आ गया तो अल्लाह ताला ने कहा अला कल्बिक नज़ल बिहर रूहुल अमीन अला कल्बिक, दिल आ गया, दिल आ गया, सारे वजूद को जिक्र किया, सारे वजूद को जिक्र किया, आपके मजमूई अखलाक का जिक्र आया तो अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
आपकी नबूवत का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन का जिक्र आया तो यूं बयान किया, आलमी नबूवत होने का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने कहा लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, आखिरी नबी होने का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने कहा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदन मिन रिजालकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीजीन व कान अल्लाह बिकुल शयइन अलीमा, आपके आने का जिक्र आया तो अल्लाह ने कहा कद जा आपके कुरान का जिक्र आया तो अल्लाह ने किसी किताब की कसम नहीं उठाई, अल्लाह ने कुरान की कसम उठाई और कहा यासीन वल कुरान अल हकीम, काफ वल कुरान अल मजीद, यासीन वल कुरान अल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आपकी चादर का जिक्र आया तो कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, आपके कंबल का जिक्र आया तो कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दफ़िर, आपकी रात का जिक्र आया तो कुरान ने कहा वमिन अल-लैल फ़सबिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअथक रब्बुका मक़ामन महमूदा, आपके दिन का जिक्र आया तो कुरान ने कहा इन्न लका फ़िन्नहारी सबहन तवीला सबहन तवीला, आपकी नरमी का जिक्र आया तो कुरान ने कहा फ़बिमा रहमतिन मिन अल्लाह लिंत लहुम, ये कुरान से सिर्फ अपने नबी का हुलिया निकाल के आपको बता रहा हूं, फिर सारे वजूद को अल्लाह ने जमा किया और उसकी कसम उठाई और कहा अमरुक इन्नहुम लफी सकरतहिम यमहून, मुझे तेरी जान की कसम, मुझे तेरी जिंदगी की कसम, किसी नबी की कसम नहीं उठाई, अपने नबी की कसम उठाई। सूरह यासीन को जमीन आसमान के बनने से हजार साल पहले पढ़ा, जमीन आसमान को बने हुए तकरीबन साइंसदान कहते हैं 25 अरब साल हुए, बिग बैंग 25 अरब साल हुए हैं। पहले एक हदीस सुनो, अबू हुरैरा पूछने लगे या रसूल अल्लाह आप नबी कब बने थे, आप नबी कब बने थे, तो उसका जवाब था 40 साल की उम्र में, ये जवाब आसान जवाब, किताबी जवाब था किताबी के 40 साल 6 महीने 10 दिन, 40 साल 6 माह 10 दिन, 21 रमजान मुबारक, जिब्रील जाहिर हुए इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, तो चलो आप ये कह देते 40 साल 6 महीने 10 दिन, लेकिन आपने फरमाया अबू हुरैरा कुंत नबीयन व इन आदम बैन रूह वल जसद, अभी आदम की कहानी शुरू भी नहीं हुई थी और मैं नबी बन चुका था, ठीक हो गया, अभी आदम की मिट्टी इकट्ठी नहीं हुई थी और मैं नबी बन चुका था। कब बने ये अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है, ये इस हदीस से इतना पता चलता है कि अभी कायनात का भी वजूद नहीं था और वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बरकतें शुरू हो चुकी थी। कैसे, कुरान सुनो, कायनात के बनने से हजार साल पहले अल्लाह कह रहा है यासीन यासीन, एक और हदीस साथ जोड़ दो, आपने कहा मेरे 10 नाम हैं, मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं, मैं मोहम्मद, मैं मा अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं फातह, मैं खातिम, मैं अबुल कासिम, मैं ताहा, मैं यासीन, 10 नामों में से एक नाम है क्या भाई यासीन। अब सूरह यासीन, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ना जमीन है ना आसमान है और अल्लाह कह रहा है मुझे कसम है कुरान हकीम की तू मेरा रसूल है, तो आगे कौन है जिसको अल्लाह कह रहा है तू मेरा रसूल है, कोई आगे है, अगर कोई आगे ना होता और आने वाले की खबर होती तो फिर अल्लाह कहते इन्नहु लमिनल मुरसलीन, वो आने वाला मेरा रसूल है, आने वाला आ चुका है, जाहिर अब हो रहा है, आने वाला कब आया है, खालिक मखलूक का फर्क तो है ना, खालिक की तो इब्तदा नहीं और मखलूक की इब्तदा है, सबसे पहले जिस मखलूक से इब्तदा की गई है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू मेरा रसूल है इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू मेरा रसूल है, आपके शहर का जिक्र किया वहाज़ल बलदिल अमीन, किसी के शहर की कसम नहीं खाई, आपके शहर की कसम खाई, किसी नबी के साथियों को रजा का परवाना नहीं दिया, आपके साथियों को रजा का परवाना दिया, आपके सहाबा का जिक्र कुरान करता है
محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صحابة کی قرآن تعریف کرتا ہے, سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے. وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا, جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی اس کی بخشش کے لیے. ایمان, ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا, ایمان پر چلا گیا, بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. ساری دنیا کے ابدال, قطب, عبد القادر جیلانی, جنید بغدادی, ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں. جس نے محبوب, جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو کون پہنچ سکتا. ساری دنیا کے نعت خواں کٹھے ہو جائیں, جتنا لکھا ہے ہر زبان میں اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں ایک پلڑ میں رکھو, اور حسان بن ثابت کے دو شعر ایک پلڑ میں رکھو تو دو شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے. کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں, بعد والوں کے سامنے نہیں ہے. کون سا ہے؟ وہ احسن من کلم تر قط عین, وہ اجمل من کلم تل دن نساء, خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کمال کر دیا ہے. میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا, اپنے لیے بچھوایا, اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر. اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا, وہ حسان بن ثابت. نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ علی, نہ طلحہ, نہ زبیر, حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا. اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف. دو ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے, باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں جب اپنی تعریف خود کر رہے تھے, الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ, یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی ایپ دکھاؤ, میں کہا سبحان تینوں رب نہ بنا لوی, میرے میں کوئی ایپ دکھاؤ. استغفر اللہ. حسان بن صاحب, ایک اللہ کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے, ایک اللہ کے نبی کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے, باقی کس کی کیا تعریف. کمی بھی ہے, اچھائی بھی ہے, خوبیاں بھی ہیں, کمیاں بھی ہیں. کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا, میں ایسا, میں ایسا. ایک مثال دیتا ہوں, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا, داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تبے کر دی, عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا. تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے, جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے, آپ بیٹھے. قسمتُ مقالتکم وعجبکم, میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا, تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا. جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے, ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں, اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے, سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں. وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا, اب اپنے ساتھی کی بھی سنو, اب میری بھی سنو. اما انا فحبیب اللہ, میں ہوں اللہ کا حبیب. ولا فخرا, حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں. خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو. حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا, بس دیکھنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہیے. خلیل خلت سے ہے, حبیب حبہ سے ہے. حبہ کہتے ہیں دانے کو, اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا. کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو, کوئی کنارہ نہ ہو. تو آپ نے کہا میں تمہارا نبی, میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخرا, فخر سے نہیں کہہ رہا, حقیقت بتا رہا ہوں.
लिवा الحمد بيدي يوم القيامة, फिर क़यामत का दिन देखना अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल الناس تحت لوائي, देखोगे सारी मखलूक मेरे झंडे के नीचे होगी। इन आदम व जमी वुल्द आदम व जमी अल्अंबिया मिन वुल्द आदम तहत लिवाई, और तुम सिर्फ ये नहीं देखोगे कि लोग मेरे झंडे के नीचे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी भी मेरे ही झंडे के नीचे होंगे। अन क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दु, सबसे आगे मैं चलूंगा और मेरे पीछे पीछे कायनात चलेगी। हाँ, सब लोगों का ड्राइवर होता है ना जो आगे आगे, सब लोग पीछे बैठते। आपने कहा हाँ, बिलाल सुर्ख ऊंटनी पर मेरे आगे आगे होक, मेरा मुअज्जिन मेरे आगे आगे होक, और मैदान माशर में जब मैं उतरूंगा तो बिलाल ऊंटनी पे खड़े होके अजान दे, और जब वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारा मजमा कहेगा सच है सच है। जो कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो सारा मजमा कहेगा सच है सच है। का तुम देखोगे कि मेरे लिए मिंबर बिछाया जाएगा, का सब नबियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, सारे नबी मिंबरों पर बैठ जाएंगे, मैं अपने मिंबर पे नहीं बैठूंगा, मैं उसके साथ आके खड़ा हो जाऊंगा, इस डर से कि कहीं मिंबर मुझे लेके जन्नत में ना उड़ जाए और मेरी उम्मत अकेली रह जाए मेरे बगैर। लिहाजा मैं मिंबर के करीब ऐसे खड़ा रहूंगा, बैठूंगा नहीं, अपनी उम्मत को छोड़ के नहीं जाने वाला। फिर देखोगे कि 1000 जन्नत के खादिम मेरे चारों तरफ खड़े होंगे, फिर देखोगे अल्लाह जन्नत की चाबी मुझे पकड़ाएगा, जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी, फिर देखोगे मेरे बगैर जन्नत का दरवाजा खुल ना सके, फिर देखोगे मेरे जाए बगैर कोई नबी जन्नत में जा ना सकेगा, मेरी उम्मत के जाने से पहले कोई उम्मत जन्नत में जा ना सकेगी। हाँ, शान रिसालत को देखनी हो तो आखिरत में का इंतजार करो। क्या अल्लाह की, देखो ना हर आदमी की जो पसंद होती है तो उसके लेवल की होती है ना। एक बच्चा किसी चीज को पसंद करता है तो उसका लेवल होता है, एक बड़ा पसंद करता है तो उसका लेवल होता है, एक बहुत पढ़ा हुआ आदमी दानिश्वर आदमी जब किसी चीज को पसंद करता है तो वो उसका लेवल होता है। जब अल्लाह किसी को हबीब बनाएगा तो अल्लाह का लेवल होगा ना, तो उसको कैसे तोला जाए, कैसे नापा जाए, बस अल्लाह ही जानता है। अल्लाह अपने अल्लाह के हबीब को बस अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता है। दो हस्तियां हैं जिनकी तारीफ का हक अदा नहीं किया जा सकता, एक अल्लाह और एक अल्लाह का रसूल, इनकी तारीफ का हक नहीं अदा हो सकता। वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, तो हसन के लिए मेंबर बिछाया जाता था और आप अल्लाह के नबी की तारीफ फरमाया करते थे। तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। दो लफ्ज हैं, एक हुस्न एक जमाल, उर्दू में दोनों कठे हुस्न जमाल, हुस्न जमाल, अरबी में दोनों का मतलब जुदा जुदा है। हुस्न का मतलब है शक्ल व शबाहत की खूबसूरती और जमाल का मतलब है खानदानी खूबसूरत, खानदान का आली होना। तो तुम फर्क देखना, हसन कैसे फर्क करते हैं, वो कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, तेरे जैसा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। कि हुसन का ताल्लुक आंख से है ना, वो आगे कह रहे हैं वह अजमल मिन कलम तली दिन निसाउ, तेरे जैसे जमाल वाला किसी माँ ने नहीं जाना। तो खानदान आ गया ना, माँ पैदा करने वाली है, तो खानदान आया, खानदानी शराफत और हुस्न, खानदानी हुस्न आया तो पैदाइश का लफ्ज लाए, माँ का लफ्ज लाए, औरत का लफ्ज लाए। जब हुस्न का आया मंजर तो आंख का लफ्ज लाए कि मेरी आंख ने तेरे जैसे हुस्न वाला देखा ही नहीं। एक बुढ़िया है, जब आप सफर में थे तो राबिग के मकाम पर, राबिग के मकाम पर आपने थोड़ी देर एक खेमे में क्याम किया, तो एक अम्मा ने वहां खेमा लगाया हुआ था, बूढ़ी औरत थी, तो वहां आपने उससे पूछा कोई खाने पीने को है, कुछ नहीं,
का ये जो बकरी है इसमें कुछ है का नहीं है, तो मरियल है, बीमार है, ब्याही भी नहीं गई, बच्चा दे तो फिर दूध आता है। तो वो आपने फरमाया मैं इसको देख लूं, तो हैरान होकर देखने लगे, बेटा वो कभी ऐसी बकरी ने भी दूध दिया है? उनका मैं देख लूं, कि चलो तू देख ले। तो हैरान होकर आप वो देख, चूंकि एक अजब बात हुई तो गौर से देखती रही। तो आपने थनों को जो हार्ड लगाया तो थन भर गया दूध के साथ, और एक बकरी जितना ही थन भरा हुआ एक गिलास से ज्यादा दूध नहीं निकलता। आपने पूरा वो उसका वो गड़वा भर दिया, पूरा मग भर दिया, और अबू बकर को पिलाया, साथ जो थे गुलाम आमिर बिन फहरा उनको पिलाया, साथ जो राहबर थे अब्दुल्ला बिन उरैकत उनको पिलाया, आखिर में खुद पिया। फिर दोबारा हाथ लगा, फिर भर गया, फिर निकाल के भर के और अम्मा को दिया और आगे चल दिया। जब वो बद्दू आया खामिद उसका, तो कहने लगे दूध कहां से आया? कहने लगे इस बकरी से। पागल हो गई, ये बकरी से दूध कहां से आया? पागल हो गई है? कहीं पागल नहीं, वो एक नौजवान आया था, उसके हाथों में कुछ जादू था, उसने हाथ लगाया तो दूध से भर गया। तो चूंकि वो गौर से देखती रही थी ना, तो वो कहने लगा इन अतीली, बताओ वो कैसा था? तो वो अम्मा बता रही वो कैसे थे, आप कैसे थे? रायतो रजुलन ज़ाहिर अल वदा, मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा साफ सुथरा, अबलज अल वजह, चमकता चेहरा, हसन अल खल्क, बड़ा खूबसूरत जिस्म, लम तब हो सुचला, पेट नहीं निकला हुआ था कि भद्दा नजर आए। बाजे आदमी खुद इधर होते हैं, पेट इधर होता है, आप सजे पासे पेट खब्बे पासे, लम तब हो सुचला, क्या थे ऐसे मोटे नहीं के बदसूरत हों, लम तुजरी बिही सुकला या सोला, ऐसे पतले नहीं थे कि बेरोब हों, वसीम उन कसीम, वसीम किसे कहें? जिसको देखने से दिल ना भरता हो, ऐसा हुसन था कि देखने से जी ही नहीं भरता था। कसीम किसे कहें? जो हर तरफ से खूबसूरत हो, आंखें, नाक, पलक, होंठ, दाढ़ी, थोड़ी, चेहरा, जिस्म का सरापा, हर हर शय अलग अलग खूबसूरत हो, उसको कहते हैं कसीम। तो दुनिया में ये सिर्फ एक हस्ती आई है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। फी ऐनैही दअज, आंखों में अजब सहर था, आंखों में अजब कशिश थी, फी लिहयतिही कसासा, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत घनी थी, फी उनुकिही सतअ, गर्दन बड़ी सुराही दार और लंबी थी, फी सौतिही सहल, आवाज में जादू था, खींचती थी। वो कुरैश कहते थे इसकी ना सुनना, इसकी ना सुनना। जैसे अब भी तबलीग वालों के करीब ना जाना, करीब ना जाना, इनकी ना सुनना, नहीं तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। अभी तक कितने बेचारे भाइयों को धोखा लगा हुआ। फी सोती ही सहर, आवाज में एक जादू था, एक कशिश थी, क्रोब था, अकहल, आंखों में सुरमा, सुरमा लगाया नहीं था, अब की आंख में हर वक्त सुरमा लगा नजर आता था, अकहल, अहवर, अकरन, अजज। उम्मो माबद, उस अम्मा का नाम है, 1400 साल गुजर गए, उसने हर सदी के उलमा को थका दिया इसका तर्जमा करने के। वो लफ्ज लाई है कि जैसे अरबी का अर्क निकाल दिया, उम्मो माबद, अजज, अकरन, अहवल, अकहल, आंखें ऐसी सुरमगी, फी अशफार ही वत्फ, पलकें बड़ी दराज और लंबी, हसीन, ये आंखों के बाल मसनूई औरतें लगाती हैं और लंबे करने के लिए, तो मेरे नबी के वैसे ही अल्लाह ने लंबे बनाए थे। इंसमता अलाहुल वकार, जब खामोश होते थे एक वकार छा जाता था। इन तकल्लमा अलाहुल बहा, जब बोलते थे तो नूर छा जाता था। अजज अकरन, भमे बड़ी गोल कोल और घनी घनी, यानी बाल ज्यादा
और गोल खूबसूरत ढलाई की हुई, गोलाई की हुई, मिन गैर करनिन, ये जगह खाली, यहां यहां बाल, यहां बालों तो खूबसूरती में फर्क पड़ता है, तो यहां से वो बाल निकाले जाते हैं मस्नूई तौर पर, तो मेरे नबी के यहां बाल वैसे नहीं थे, यहां एक रग थी, युदरुल गदब, जब आपको गुस्सा आता था तो रग ऐसे ऐसे फड़कती थी, ये आपके गुस्से की निशानी होती थी। सहल अल खद्दैन, खूबसूरत गालें, न पिचकी हुई न उभरी हुई, बर्राक फनाया, मुस्कुराते थे तो लगता था नूर निकल रहा हो, लगता नहीं था, ये होता था, कभी आप मस्जिद में बैठे बैठे हंसते थे तो आपकी दीवारों से, आपके दांतों से नूर निकल के दीवार पर पड़ता नजर आता था, ऐसे ऐसे बिजलियां कौन थी, ऐसे ऐसा नूरानी चेहरा था। दली अल्फम, होंठ बड़े खूबसूरत, सर और दाढ़ी में 1400, ये तो अब मैं मजीद इजाफे कर रहा हूं, उम्म माबत की बात के साथ साथ अपनी तरफ से इजाफे कर रहा हूं, सर और दाढ़ी में 1400 सफेद बाल, और एक रिवायत में आता 20 सफेद बाल, सप्तल कस्ब, सीधा कद, न पेट निकला हुआ, न पिंडलियां टेढ़ी, न बाजू टेढ़े, सीधा कद, हो तदल कल्ब बादन मुतमासिक, मजबूत जिस्म, मजबूत जिस्म, तवील जनदैन, बाजू लंबे थे, रहबर राह, हथेली कुशादा थी, जो सखावत की निशानी आमतौर पर, आमतौर पर कुशादा हथेली राहत, सखावत और शजात की निशानी होती, मसीह अल कदमैन, पांव बड़े नरम, यंबुअनहुम अलमा, पानी ऐसे ऊपर से फिसल जाता जैसे पांव पे तेल लगा हुआ, खुमसान अल अखमसैन, पांव की ये जगह गहरी थी, चलने में आसानी होती, ये जगह तलवे जिसको कहते हैं, गहरे तलवे थे, हाँ जिस्म पे बाल नहीं थे, अनवर अल मुतजर्रद, कुर्ते से जो जिस्म बाहर होता था वो नूर ही चू नूर होता था, जगमग करता था। एक दफा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कपड़ा सी रही थी, सुई गिर गई, कमरे में रोशनी नहीं है तो सुई नजर नहीं आ रही, छोटी सी सुई है, तो अब ढूंढ रही है ऐसे ऐसे कर रही, इतने में मेरे नबी कमरे में दाखिल हुए तो आपके चेहरे के नूर से सुई रोशन हो गई। वह अहसन मिन कलम तरकत आईनी, आप जैसे हुसन वाला मेरी आंख ने नहीं देखा, वह अजमल मिन कलम तली दिन निसाऊ, आप आली नसब वाला किसी मां ने नहीं जना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमा किया, उसमें से अरब को अलग किया, फिर अरब को जमा किया, उसमें से मुजर को अलग किया, फिर मुजर एक आपका दादों में से एक दादा, फिर उसकी नस्ल को अलग किया, उसमें से कुरैश को छांटी की, फिर कुरैश को अलग किया, उसमें से हाशिम को छांटी की, फिर हाशिम की नस्ल में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, अना खैरकुम अबन व नफसा, मेरे जैसा आली खानदान कायनात में कोई नहीं है। किसी नबी का नसब आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं जाता, मेरे नबी का नसब आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमुवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आयफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यखरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरावा बिन आईदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकसर बिन नाहिफ बिन जारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रुऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशाले बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहल ईल बिन कीनान बिन आनुश बिन शीसर बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अजमल मिन कलम तलिद निसा, आप जैसे जमाल वाला, आप जैसा अली नसब
किसी औरत ने जना ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह को ढूंढने पाने का रास्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वाली जिंदगी अपना लो, बर्मिंघम में रहो, मक्का में रहो, बराबर है, मदीना में रहो, लंदन में रहो, अल्लाह उसके रसूल की गुलामी में हो तो काम पार है। जगह बदलने से नहीं, अमल के बदलने से मकाम बंद। अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में रहता था, अबू जहल मक्के में रहता था, अबू लहब मक्के में रहता था। तो अल्लाह ने अपनी चाहत के, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, वो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की झलक दिखाकर बताया कि मैं ये चाहता हूं। आपकी जिंदगी को महफूज कर दिया, क्यामत तक के लिए महफूज कर दिया, ताकि 1433 हिजरी में, जबकि मेरे नबी को दुनिया से गए हुए 1422 साल गुजर चुके हैं, अगर कोई बर्मिंघम की औरत और मर्द पूछना चाहे कि मेरे नबी की जिंदगी क्या थी, तो इस फानूस में तो रोशनी थोड़ी है, मैं किस चीज से तशबीह दूं। हमारे यहां तशबीह हाथ के लिए या चांद है या तारे हैं या सूरज है, सूरज से तशबीह दूं तो उसमें आग भरी हुई है, मेरा नबी आग वाला नहीं है। चांद से तशबीह दूं तो उसमें दाग है, मेरा नबी बेदाग है, बे आग है, मैं कैसे तशबीह दूं, किससे दूं। वो तशबीहात से बालातर हस्ती है। हाँ, जिंदगी मौजूद है खुली किताब की तरह, मालूमात का खजाना जितना मदीना में है उतना बर्मिंघम में है, जितना मक्का में है उतना लंदन में है। उस आपकी जिंदगी को छुपाया नहीं जा सकता, चूंकि अल्लाह पाक ने महबूब बनाया तो उसकी हर अदा को सलामत कर दिया, उसकी हर अदा को क़यामत तक के लिए उस पर हिफाजत का पहरा लगा दिया, कोई दुनिया की ताकत उसे मिटा नहीं सकती। आपकी अदाएं तो अदाएं हैं, मेरे नबी की तो बकरियों ऊंट घोड़ों के नाम भी लिखे पड़े। आपने दो खच्चरों पे सवारी की, तारीख ने हमें नाम दे दिए, एक का नाम दुलदुल, एक का नाम फिज्जा। दो गधों पे सवारी की, जी दो गधे पे सवारी की बात खत्म हो गई, नहीं नहीं, मेरे हबीब ने की है, इनके नाम भी लिखवाए जाए। एक का नाम था उफैर, एक का नाम था याफूर। और याफूर की अजब कहानी आपको सुनाता हूं। जब खैबर की जंग हुई और माल गनीमत आया तो जानवर भी आया, तो उसमें यह गधा भी था, तो ये आगे बढ़ गया था या रसूल अल्लाह, और माल आप तकसीम कर रहे थे, घोड़े ऊंट तकसीम हो रहे थे, गधे खच्चर, तो ये आगे बढ़ गया था या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी, मेरे नस्ल पर नबियों ने सवारी की, उनमें मैं आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी हैं, आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा ले। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया। बारहा ऐसा हुआ, सीरत की किताबों में है, कि आपको जरूरत पड़ी किसी को बुलाने की और मौके पे कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से कहते, याफूर अबू बकर को बुला के लाओ, उमर को बुला के लाओ, मिसाल दे रहा हूं। तो याफूर दौड़ लगाते और जाकर अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता, ठो। जब वो सहाबी बाहर निकलते तो देखते आगे याफूर खड़ा, अच्छा अल्लाह के नबी ने बुलाया है। मेरे कुर्बान जाऊं, जिससे अल्लाह ने प्यार किया तुम उससे प्यार ना करो। खाली एक कॉन्फ्रेंस कर दो, 12 दिन के लिए नबी बन जाते हैं, 12 दिन के बाद ना तुम्हें याद है कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना किसी और को याद है कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे सिर्फ 12 दिन के लिए, रबीउल अव्वल के 12 दिन के लिए है हमारा नबी, बाकी कोई नहीं है। जिस 10 दिन के लिए है हुसैन की शहादत, बाकी कोई नहीं है। शहादत हुसैन तो एक पैगाम है, सिर्फ रोना पीटना तो नहीं है, वो तो एक पैगाम है कि यूं अल्लाह पर कुर्बान हुआ जाता है। है फिर याफूर की मोहब्बत बताऊं, जिस दिन हमारे नबी का इंतकाल हो, याफूर जानवर को क्या पता कौन जिंदा और कौन अल्लाह के पास चला गया, उसको क्या पता। जो ही आपकी रूह परवाज हुई, याफूर ने रोना शुरू कर दिया और चीखना शुरू कर दिया और रस्सी तोड़ा ली और मदीने की गलियों में भागता रहा और शोर मचा रहा, भाग रहा, शोर मचा रहा। आखिर में
आखिर में एक कुएं में छलांग लगाई और डूब के मर गया। क्या मेरे नबी गए तो मैं भी गया। आपकी चार ऊंटनियां थी जिन पर आपने सवारी फरमाई, अजबा, शहबा, जदा, कसवा। इसमें जो आपकी ऊंटनी शहबा थी, इधर आपका इंतकाल हुआ और इधर उसने बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया और चारा भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया और वहीं बैठे बैठे मर गए। जिसके इश्क में जानवर मर जाएं, हम तो उसके उम्मती हैं। क्या हमें नहीं सजता? ये हुलिया मौलवी साहब का हुलिया नहीं है, ये मोहम्मदी हुलिया है। मैंने नकल उतारी है, नकल मार के पास नहीं हो जाते। अपने नबी की नकल तो उतारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गिला किया, या अल्लाह ये जादूगर मेरे मुकाबले में आए थे तो उन्हें हिदायत दे दी। वो जादूगर जो आए थे फिरौन के बुलाने पर, तो सारे कलमा पड़ गए और फिरौन ने उनको शहीद किया तो जन्नत में चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसे पूछा, या अल्लाह ये तो मेरे मुकाबले में आए थे, इनको हिदायत कैसे मिल गई? का मूसा तेरा रूप धार के आए थे, मुझे अच्छे लगे, मैंने हिदायत तेरी नकल। तो जो मेरे नबी की नकल उतारेगा, नकल पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। भाइयों भाइयों, हमारी एक पहचान है, पासपोर्ट पहचान है कि नहीं है? तुम ब्रिटिश पासपोर्ट पे बड़ा फख्र करते, ब्रिटिश पर रत्ता पासपोर्ट है। तो मोहम्मदी पासपोर्ट भी जन्नत में जाने तो पता चल जाएगा। अल्लाह का पासपोर्ट लाओ, पासपोर्ट पुल सरात पे पासपोर्ट मांगा जाएगा, लाओ। चूंकि पुल सरात काफरों के लिए, गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमान पुल सरात से गुजरेंगे। तो जिससे अल्लाह ने प्यार किया हो, तुम भी तो करो। आशिक हूं मैं इश्क कमों में, दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार ओला में, कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जय चुक सूली दिते, जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो, तोड़े काफिर कहन हजारा हो, आशिक सोई हकीकी जड़ा, कतल माशूक दे मन्ने, सिर न जोड़े ते मुंह न मोड़े, भमे सौ तलवारा खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन दबा हो, सिर दिते ते राज न भन्ने। मीठा मीठा इस्लाम है, हलवा ही खावना सुन्नत रह गया बस। हाँ भाई, अपने नबी की नकल उतारो, अल्लाह का वास्ता दे, कीमत, अल्लाह की कसम कीमत पड़ जाएगी, कीमत पड़ जाएगी। तो अपना जाहिर भी अपने नबी वाला बनाओ, अपना बातिन भी अपने नबी वाला बनाओ। हमारी औरत की पहचान हो कि ये मुसलमान औरत जा रही, हमारे मर्द की पहचान हो ये मुसलमान जा रहा, ये ईमान वाला जा रहा। हमारे नबी हमें जिंदगी, उस सारी जिंदगी का निचोड़ बताऊं, दो चीजें हैं, एक इबादत, एक अखलाक। एक अपनी बंदगी ठीक कर लो, बर्मिंगम में बेनमाजी कोई ना हो, कोई मर्द औरत बेनमाजी ना हो, किसी हाल में नमाज ना छूट। कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी, अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरी वसीयत थी मेरी उम्मत, नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना, मातहतों गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना। सारा दीन दो जुमलों में बताया है, एक अपनी इबादत को ठीक करो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और एक अपने अखलाक ठीक करो, माँ बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, मातहत के साथ अपने अखलाक बनाओ। सारा दीन दो चीज़ों में आ जाता है, बंदगी और अखलाक। सारे दीन का खुलासा दो चीज़ें हैं, इबादत और अखलाक। इबादत बुनियाद है, अखलाक छत है। बुनियाद ना हो तो घर नहीं खड़ा हो सकता, और छत ना हो तो उसके नीचे बैठ नहीं सकते। इस मस्जिद की बुनियादें भर दी जाएं तो इसको मस्जिद नहीं कह सकते, लेकिन बुनियादों के बगैर खड़ा किया जाए तो ये छत गिर जाएगी। तो नमाज, रोजा, हज, जकात बुनियाद हैं, नमाज ना छूट।
जैसी कैसी हो, टक्कर भी हो, पढ़ो सही, छोड़ो नहीं। कहा तुम्हारी तो रोजी हराम है, तेरी नमाज का क्या फायदा, इन अहमकाना बातों में ना पढ़ना। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, एक राई के बराबर अच्छाई की जजा है, बुराई की सजा है। मेरा कॉलेज फेलो था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो उसकी जिंदगी बहुत गलत थी, बहुत। फिर अल्लाह ताला ने मुलाकात कराई, फिर वो बदले बदले बदला, बहुत बदला। लेकिन वो कभी कभी शराब पी लेता था, वो उसकी आदत नहीं छूटी। लेकिन वो चिल्ला लगा तो नमाज उसकी पक्की हो गई। तो एक दफा वो घर के दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था, तो पुलिस उठा के ले गई, आंख खुली तो हवालात में था और सुबह का वक्त हो रहा था। उनसे कहने लगा मुसल्ला लौटा रहो, मैंने नमाज पढ़नी। तो कहने लगे वाह जी वाह, शराबा पी के नमाजा पढ़ दो। कहने लगे जो गुनाह किया था नेकी ना करा। फिर अल्लाह ताला ने वो भी छुड़ा दी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, फौत हो गया। तो वैसे उसका किस्सा याद आया, जब मैं गुनाह किया तो नेकी ना करूं। अतबा सैयत हसना, मेरे नबी ने खुद फरमाया जब गुनाह हो जाए फौरन नेकी करो, फौरन नेकी करो, ताकि उसकी उसका कोई अदला बदला हो जाए। एक आदमी गलत कमाई कर रहा है और नमाज पढ़ रहा है, तो गलत कमाई की उसको सजा है, वो अलग खाता है, नमाज पढ़ने का उसको जरूर सिला मिलने वाला है। इतना सिला तो जरूर मिलेगा कि उसको नमाज ना पढ़ने का जुर्म उस पर नहीं लगेगा, नमाज ना पढ़ने की वजह से जो सजा है वो नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, एक अपनी इबादत ठीक करो, नमाज रोजा हज ज़कात, एक अपने अखलाक ठीक करो। अगर तुम मुसलमानों वाले अखलाक अपना के इस मुल्क में रहो तो इस्लाम की हवाएं चल जाए, लोगों के लिए खैर बनो। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं सबसे बेहतरीन मैं हूं, बर्मिंगम में मुझसे अच्छा कोई ना हो। तो आपने क्या कहा, तहज्जुद पढ़, रोजे रख, नफल पढ़, सदके कर, खैरात कर, हज कर, उम्रे कर। आपने फरमाया लोगों की खिदमत कर, तू सबसे बेहतरीन इंसान हो। अच्छे अखलाक। एक ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा ईमान कामिल हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो आपने फरमाया तो अपने अखलाक अच्छे कर, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। तो भाइयों, नमाज रोजे वाले तो बहुत से मिल जाते, दाढ़ी पगड़ी वाले भी बहुत से मिल जाते हैं, अखलाक वाले कोई नहीं मिलते। माफ करने वालों से दुनिया खाली होगी, दरगुजर करने वालों से दुनिया खाली होगी। बीवी को गुस्सा चढ़ जाए तो खामिंद पे चढ़ाई है, खामिंद को गुस्सा चढ़ जाए तो बीवी पे चढ़ाई है, औलाद को गुस्सा चढ़ जाए तो माँ बाप की गुस्साखी है, माँ बाप को गुस्सा चढ़ जाए तो औलाद की ठुकाई है, टुटाई है। ये नहीं देखते कि ये तरबियत का तकाजा है या नहीं है। भाई भाई से तुम्हारा क्या रोना रो, मेरे सामने हमारे इलाके में ये दो भाई दीवारें साथ है, एक मर गया, दूसरे का मुझे पता चला उसके जनाजे में नहीं जा रहा। मैंने उसको उसके बेटे को बुलाया, मैंने कहा मरने के बाद तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, चले जाओ। कहा नहीं जी, साड़ी बनी नहीं सारी जिंदगी, हूं की बना मैंने। और मैंने कहा अब तो वो खत्म हो गया है, जिस जिन बातों पर तुम लड़ते थे वो बातें खत्म हो गई, अपनी माँ का दूध ही याद कर लो। यकीन मैं मेरा सिर्फ पड़ोसी था, मैंने उसके पाँव पकड़े, हाथ जोड़े, नहीं गया जनाजा। ऐसों से जहान भरा पड़ा। हमारे अखलाक क्या हैं, जो सलाम करे उसे सलाम करो, जो ना करे ना करो, ये हमारे अखलाक। जो मुस्कुराए उसके सामने मुस्कुराओ, जो आंखें दिखाए उसको वट्टा दिखाओ, ये हमारे अखलाक। आपने इरशाद फरमाया सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार और सारे दिन के रोजेदार से आगे निकल जाएगा अच्छे अखलाक वाला, चूंकि ये मार्केट में सौदा है नहीं।
और सारे अखलाक का निचोड़ एक चीज बताता हूं, ये जबान काबू में रखो सारे अखलाक काबू में आ जाएंगे। मुजफ्फराबाद कश्मीर में हमारी जमात थी तो वकला का वफद आया मिलने, मैंने आधा पौना घंटा बात की तो फिर एक वकील साहब कहने लगे जी एक नसीहत कर दें, आपकी बहुत सारी नसीहतें सुनी हैं, एक नसीहत कर दें। तो मैंने अब मुझे देखो, मैंने कहा ये जबान काबू में, कहा ना 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 कोई और बताएं, कोई और बताएं, कोई और बताएं। अगर आप अपनी जबान पे काबू पा लो गुस्से के वक्त भी खुशी के वक्त भी, इसमें से तोल लफ्ज निकालो तो आपसे बड़ा मकाम वाला कोई नहीं होगा। तहज्जुद नमाज रोजों से कोई आपको नहीं पकड़ सकता, हज उम्रों से आप नहीं पकड़े जाओगे। सईद अनवर और यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ जब मुसलमान हुआ तो ये दोनों मेरे पास आए तो कहने लगे सारा जोर लग गया क्रिकेट पर तो कोई जन्नत का शॉर्टकट बताओ, जोर उधर लग गया। तो मैंने कहा अपने अखलाक ठीक कर लो। उस पर थोड़ी सी बात की, कहा नहीं 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 ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो बहुत मुश्किल काम। मैंने शॉर्टकट तो फिर यही है, जिस आपको जिस रोड पे रश होता है तो आप गाड़ी मोड़ लेते हो कि नहीं मोड़ लेते? अब वो पहले को कंप्यूटर भी बता देता है उधर ना जाओ, उधर ट्रैफिक ब्लॉक है। तो आप खाली रोड जब होती है तो आप गाड़ी भगाते हो, रास्ता खुला है भगाओ जितनी भगा सकते हो। तो मैं ये मिसाल दिया करता हूं कि नमाज के रोड पर भी बहुत लाइन है, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। रोजे का रोड भी भरा हुआ है, हज का रोड भी भरा हुआ है, उमरे का रोड भी भरा हुआ है, इलम का रोड भी भरा हुआ है, लिखने पढ़ने के रोड भी भरे पड़े हैं, और दरस कुरान दरस हदीस के रोड भी भरे पड़े हैं, अखलाक वाला रोड ही खाली, बंदा ही कोई ना, कोई मर्द ना कोई औरत। तुम्हारी सुजुकी भी होगी तो मर्सिडीज से आगे निकलेगी, क्योंकि वो तो खड़ी हुई है, तुम्हारी जा रही है, खुदा के सहारे चली जा रही है। ना ड्राइवर को खूबी ना इंजन का कमाल, हमारे यहाँ जो पुरानी बसें होती ना उसके पीछे लिखा होता है ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर का कमाल, बस खुदा के सहारे चली जा रही है। तो मेरे रब की कसम तुम ये मर्द औरत अपने अखलाक अच्छे कर लो, तुम्हें पकड़ कोई नहीं सकता। और वैसे भी चूंकि यहां दौड़ है दौड़ है दौड़ है, तो पता नहीं बीवी का क्या मकाम है, खामिद का क्या मकाम है, बीवी को खामिद का नहीं पता, खामिद को बीवी का नहीं पता, माँ बाप को औलाद का नहीं पता इनके साथ क्या करना, औलाद को माँ बाप का नहीं पता कि इनके साथ क्या करना है। ये सब सीखने की चीज है। अपने घरों को वक्त दो, जो लोग शादी शुदा हो और जिनके बच्चे छोटे हैं अपनी औलाद को वक्त दो। तरबियत 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 माँ बाप करते हैं, माँ बाप करते हैं, इन्हें अखलाक सिखाना तुम्हारे जिम्मे है। बीवी भी जॉब पे जाए खामिद भी जॉब पे जाए तो बच्चों को किन के हवाले करोगे? जिनके लिए कमा रहे हो जिनके लिए घर बना रहे हो, तो ये कल को तो इन्हें पता ही ना हो कि तुम्हारा मकाम क्या है तो तुम्हारे किस काम के। तो अपनी औरतों को घर बैठाओ, छोटे घर ले लो छोटी गाड़ियां ले लो, छोटे घर ले लो छोटी गाड़ियां ले लो, लेकिन अपनी औरतों के जिम्मे अल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया। हमारी औरत के जिम्मे कि अपने एक नस्ल तैयार करे जो मुआशरे में बेहतरीन इंसान बने, आली इंसान बने। लड़की है तो बेहतरीन बीवी बने, बेटी बने, बहन बने, माँ बने। लड़का है तो बेहतरीन बाप बने, भाई बने, दोस्त बने, हर रूप में उसका हुसन नुमाया हो। ये तरबियत माँ के जिम्मे है और बाप उसकी उसका साथ दे। अगर आप वक्त दोगे तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला काबू में ले आएगा। तो अपनी जिंदगी में नबूवत वाले अखलाक और नबूवत वाली बंदगी दो चीज़ें दाखिल कर लो तो ज़िंदगी को कमाल मिल जाएगा। ये तबलीग में सीखा जा रहा, इसको तबलीग में सीखने की दावत दी जा रही कि वो अखलाक जो हमारे नबी देकर गए थे, जो बिल्कुल भूल भुलैया हो के याद ही नहीं किसी को। एक बद्दू ने आकर आपको, आप सोए हुए थे उस, आपकी तलवार लटकी थी, तलवार उतारी और आपके कम यूं पसली में यूं मारे, तो आप उठ के बैठ गए तो कहने लगा बताओ कौन बचाए? तो आप मुस्कुरा पड़े, कहा अल्लाह। अल्लाह कहना था उसके तलवार उसके हाथ से गिर गई। तो अब कौन है? कत्ल करने है, कत्ल करने, कत्ल करने। तलवार उठाई, कब तुझे कौन बचाएगा? कहने लगा मुझे तो तू ही बचाएगा। कौन गैरा आखिज़न? कहा अच्छा। आपने कहा कलमा पढ़ते हो? कहा नहीं पढ़ता। अच्छा जाओ माफ की, जो ऐसे कातिल को माफ कर दे। कहा जाओ माफ की।
तुम भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार, बीवी खामिन को माफ करने के लिए तैयार नहीं, खामिन बीवी को माफ करने के लिए तैयार। और सबसे ज्यादा शैतान को जो खुशी होती है मियां बीवी की लड़ाई पर होती, और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जो नापसंद है वो तलाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली तलाक से बचना, जब नाजायज तलाक दी जाती तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। अब छोटी छोटी बातों पर तलाक, क्योंकि मिलजुल के चलना सीखा ही नहीं, बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं, एक दूसरे को सहना सीखा ही नहीं, ना मर्द में ना लड़के में बर्दाश्त है, ना लड़की में, ना बड़े में ना छोटे में, तो नबूवत वाली जिंदगी तो खत्म हो गई। एक और हदीस सुन लो, शैतान के पास लश्कर हैं, कमजोर भी, दरमियाने भी, ताकतवर भी, माड़े शैतान भी हैं, तगड़े शैतान भी हैं। एक दफा शैतान का मतलब क्या है, रस्सियों वाला, शैतान का मतलब है रस्सी, शतन रस्सी को कहते हैं, रस्सी, तो वो रस्सियों से बांधता है, शहवत की रस्सियों से बांधता है, तो इसलिए उसको शैतान कहते हैं। तो शैतान को एक आदमी ने ख्वाब में देखा, तो वो रस्सियां और जाल ऊपर लेके जा रहा कंधे पर, तो उसने पूछा कि क्या है, कहा ये रस्सियां जाल हैं जिससे मैं लोगों को बांधता हूँ, पकड़ता हूँ, फंसाता हूँ। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, इन रस्सियों में कोई मेरे लिए भी है? वो हंस पड़ा, कहा तेरे जैसों को तो वैसे ही फंसा लेते, तो तुम्हारे जैसों को तो वैसे ही फंसा लेते। शैतान के पास जो सबसे मजबूत लश्कर हैं उनको कहां भेजता है? जिनके अखलाक अच्छे हैं उनके पास भेजता है। नमाजियों के पास माड़े माड़े शैतान भेज देता, रोजेदार, हाजी, उम्र, जिक्र, तिलावत वालों, छोटे छोटे शैतान ही काम दिखा देते हैं। लेकिन जिनके अखलाक अच्छे होते हैं उनके पास तकड़े शैतान भेजता है कि कहीं इनका अखलाक खराब करो। और शैतान रोजाना कचहरी लगाकर शैतानों से पूछता क्या किया है, कोई कहता है जिना कराया, कोई कहता है चोरी कराई, कोई कहता नमाज नहीं पढ़ने दी, कोई कहता शराब पिलाई, कहता कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एक शैतान कहता है मैंने मियां बीवी को लड़ाया, कहता शाबाश बेटा तू असल काम करके आया, इधर आ जा इधर आ जा। उसको गले लगाता है, अपने पास बैठाता है, कहता ये असल काम करके आया है, तुमने क्या किया? तो भाइयों मुआशरत जो बनती है ना इस्लामी, तो उससे एक खूबसूरत जिंदगी वजूद में आती है। ये मेरी बात याद रखना, पैसों से घर आबाद नहीं होते, अच्छे सलूक से घर आबाद होते, और अच्छे सलूक मेरे नबी की जिंदगी से सीखे जाते हैं। डॉक्टर बनने से घर आबाद नहीं होता, खूबसूरत चेहरे से घर आबाद नहीं होता, घर की आबादी अच्छे अखलाक से है, अच्छे किरदार से है, बर्दाश्त और सह जाने और पी जाने से है। ये सीखोगे तो अल्लाह तुम्हें आबाद भी करेगा, शादाब भी करेगा। तो बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है, आज अल्लाह से सुलह करके उठो। चार महीने चिल्ला जब तुम्हारा दिल हो लगा लेना, जब तुम्हें फुर्सत तो लगा लेना, लेकिन इतने बड़े मजमे रोज नहीं जमा होते। अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कह ले फिर इल्तफात दिले दोस्तों रहे न रहे। घड़ी मैं भी देख रहा हूँ 2 घंटे होने को हैं, तो लेकिन इतने मजमे बरतानिया में कहाँ मिलते हैं इकट्ठे। तो आज जो है ना एक काम सारे करके जाओ, मस्तूरात भी हैं आप भी हो, तो चार महीने चिल्ली के तो सारे भाई नियत कर लो, ठीक है नियत करते हो, लेकिन आज एक काम नकद करके जाओ, आज सारे मर्द औरत यहाँ से तौबा करके उठो। क्यों भाई क्या ख्याल है, नियत करते हो तौबा? तौबा का मतलब पता क्या है, वापस आ जाना और अल्लाह से सुलह कर लेना। तो क्या ख्याल है आज अल्लाह से सुलह ना कर ले? क्यों भाई कोई माड़ी चीज तो नहीं कही मैंने? नियत करते हो सारे अल्लाह से सुलह, कहो सब या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। आपको मुबारक हो, अगर आपकी तौबा सच्ची है अल्लाह की कसम आप ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ ने जन्म दिया, आपके सब पिछले गुनाह माफ हो गए। आज निकलो मस्जिद से और नई जिंदगी शुरू करो, इतनी सी बात पर अल्लाह सारे ही माफ कर देते। हाँ किसी का हक मारा है, गुनाह माफ हो गया है, हक अदा करना पड़ेगा, वो एक छोटा सा मसला है। अगर आपने अदा कर दिया तो मुतालबा खत्म, अगर आपने अदा करने की कोशिश की और ना कर सके तो अल्लाह आपकी तरफ से खुद अदा कर दे। तो तौबा के सारे भाई नहीं, मेरा दिल बदल दे।
Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of his renowned Islamic scholars, Nasheed in English, Arabic, and in Urdu. Quranic recitation with translation, Islamic videos.